सब लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर का मसला एक बहुत ही पेचीदा मसला है, और पिछले 70-75 साल से आपने देखा जम्मू कश्मीर की क्या हालत बनी हुई है। तो इस मसले को हल करना बहुत ज़रूरी होता है, और ऐसे में अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम जम्मू कश्मीर मसले का हल चाहते हैं और साथ ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बेहतर ताल्लुक चाहते हैं, ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों मुल्कों के ताल्लुक अच्छे हो जाएंगे, जो गुरबत यहाँ हिंदुस्तान में है और पाकिस्तान में है, जो हम पैसा आर्मी के ऊपर खर्च करते हैं, बड़े बड़े जहाज़ के ऊपर खर्च करते हैं, हथियार खरीदने के लिए खर्च करते हैं, वो पैसा हम जो लोगों की भलाई के लिए खर्च कर सकते हैं। देखिए, हमारा मुल्क इस वक्त हिंदुस्तान बांग्लादेश के पीछे चला गया है जीडीपी में, और गुरबत में पहले से भी ज़्यादा नीचे चला गया है, कि करोड़ों लोग और गुरबत में चले गए हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए। इसलिए मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान की हालात भी बहुत ख़राब हैं, वहाँ सैलाब ने और तबाही मचाई हुई है। ऐसे में अगर दोनों मुल्क आपस में बैठ के, जैसे वाजपेयी के टाइम में हुआ था, मिल बैठ के जम्मू कश्मीर के मसले का हल निकालते हैं, तो वो न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बल्कि पूरे मुल्क और पूरे बरसगीर के लिए एक खुशखबरी होगी, एक खुश आइंदा कदम होगा। शुक्रिया।